शांति। आज 8 नवंबर 2021 है। आज के दिन हम लेंगे रिस्पेक्ट के गुण को। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बाबा की अव्यक्त मुरली 38 मार्च 1985 में बाबा ने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में क्या बोला है। सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात स्वमान। बाबा ने कहा, स्वमान के स्थिति में स्थित रहना ये सबसे बड़ी स्थिति है, क्योंकि स्वमान से अभिमान समाप्त हो जाते हैं। तो अपने स्वमान में सदा स्थित रहो। बाबा ने दूसरी मुरली में कहा है कि सबसे बड़ा स्वमान आपका यही है कि निराकार बाप को आपने अपने स्नेह और संबंध से साकार में लाया। ये सबसे बड़ा स्वमान है। इसी स्वमान के नशे में रहना है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। चारों ही सब्जेक्ट को हर समय अटेंशन रखते हुए बैलेंस रूप से हम जीवन को जीते हैं, ब्राह्मण जीवन को, इसी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। क्योंकि जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे अपने मन को एक्टिव रखते हैं, बुद्धि को अलर्ट रखते हैं और अपने संस्कारों को इजी रखते हैं। तभी तो वे हर सब्जेक्ट में, हर परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो मन की एक्टिवनेस का अर्थ क्या है? मन में बाबा की श्रीमत ईश्वरीय ज्ञान को ऐसे समा लेते हैं जैसे मन का रस बन जाता है। ज्ञान, ज्ञान ही मन का रस बन जाता है और उस ज्ञान के अलावा मन में और कुछ आने नहीं देते। तो यही मन का रस ही बुद्धि की अलर्टनेस का आधार है। और बुद्धि का अलर्टनेस अर्थात क्या? बुद्धि सदा एवर रेडी रहती है कि उस ज्ञान को समय पर यूज़ किया जाए। कोई भी परिस्थिति में, किसी भी बात में, समय पर उस ज्ञान को, मन में बसे हुए उस ज्ञान को बुद्धि ऐसी यूज़ करती है जैसे अपना कोई अंग हो। तो ये है बुद्धि की अलर्टनेस। तो यही निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की। क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ वाली जो आत्मा है उनका बुद्धि और मन कभी भी आलस और अलबेलेपन के जाल में नहीं फंसता है। क्या होगा, हो ही जाएगा, हमने कर लिया तो क्या हुआ, बड़े बड़े सीनियर लोग भी तो करते हैं, ये सब आलस और अलबेलेपन की भाषा है। जो इस जाल में फंस जाते हैं वे कभी भी अपने बुद्धि को और अपने मन को एक्टिव और अलर्ट नहीं बना पाते हैं। परंतु जो अपने मन और बुद्धि को ज्ञान के रस से भर कर बुद्धि द्वारा हर समय यूज़ करते रहते हैं, उनके संस्कार बहुत ही सहज हो जाते हैं और संबंध संपर्क में आते हुए दुआएं कमाते रहते हैं और उन दुआओं से और ही पुरुषार्थ तीव्र हो जाते हैं। ओम शांति।